रीवा में घर की दीवार गिरने से एक महिला और बच्ची की मौत हो गई, जबकि एक लड़के को गंभीर चोट आई। घायल लड़के को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्राम पंचायत बास में घर गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात में जब परिवार के सदस्य सो रहे थे, तभी अचानक घर की दीवार गिरने से कच्चे मकान में सो रही महिला सुमन उपाध्याय और 9 वर्ष की बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं अटारी में सो रहे भतीजे को भी गंभीर चोटें आई हैं। दीवार गिरने की खबर लगते ही घर के लोगों और ग्रामीणों ने घर में दबे लोगों को निकालने का काम किया, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की जानकारी पुलिस और 108 को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल बच्चे को गांगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पीड़ितों ने बताया कि दीवार गिरने से महिला के ऊपर इतना ज्यादा मिट्टी का मलबा आ गया था कि मिट्टी निकालने में ही 30 मिनट से ज्यादा समय लगा, जिससे मलबे में दबी महिला और बच्ची को बचाया नहीं जा सका। हमारे गांव में एक घर गिर गया है, जिस कारण एक महिला और एक बच्ची की मौत हो गई है तथा एक बच्चा घायल हो गया है। कैसे घटना हुई है? ये रात में तकरीबन 1 बजे के आसपास, उनका घर 2 मंजिला था, तो ऊपर वाली मंजिल की दीवार नीचे वाले छप्पर पे गिर गई, जिस कारण नीचे सो रही महिला और बच्ची दब गई। अच्छा। बच्चा ऊपर वाली मंजिल पे सो रहा था तो वो भी दब गया था, लेकिन वो ठीक है। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, वहाँ उसकी हालत ठीक है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।